स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रिजल्ट हमें रिमेम्बर करने होंगे यहाँ पे, सो इज इक्वल टू 1 बाय में 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस ए बाय में एक्स प्लस ए प्लस सी के इक्वल रहेगा। अब कंडीशन ये आती है, लॉगरिथम ऑफ एंगल है ना जो हमारा, वहां पे हम लगभग क्या देखते हैं कि हम मॉडुलस कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव एंगल को भी नहीं होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव एंगल्स। तो मॉडुलस हमेशा हमें क्या गिवन करता है? ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव डिफरेंस। अंडरस्टैंड? फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड है हमारे पास 1 बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम से एक पॉजिटिव देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स समझना होगी एक बार। मॉडुलस ऑफ एक्स दैट मीन्स रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन इज ओनली एक्स वैसे, लेकिन जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसके लिए हम क्या नोट करते हैं? इट इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अंडरस्टैंड? नेगेटिव एक्स है तो एक्स इज ओनली लेस देन जीरो। लेकिन ये क्या है हमारे पास? इनसाइड का मॉडुलस कंडीशन, दैट वैल्यू मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या कहता है ये हमें कि ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन मॉडुलस एक तरह से मैंने बताया था वो मशीन है आपकी जो हमेशा आउटपुट क्या देती है? पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देती है। दैट मीन्स इस इनसाइड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस, इसका मतलब क्या है? ये इनसाइड वैल्यूज है हमारी, ये क्या हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अंडरस्टैंड? लेकिन जब भी हम नेगेटिव ऑफ एक्स रखते हैं तो वी गेट आउटपुट क्या? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव ऑफ एक्स वी गेट आल्सो एक्स। अंडरस्टैंड? क्लियर है ना? लेकिन हम इसे देख के थोड़े से बदल होते हैं, उस रेट की बताएंगे रिजल्ट है हमारे, ये क्या है हमारे इनसाइड का मॉडुलस वैल्यूज। और आपको एलजेब्रिक में ये मॉडुलस भी कम ही मिलेगा, देखने को कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना बात। लेकिन इसे रिमेम्बर करने का तरीका क्या है, इसे याद कैसे करेंगे हम? देखो वेरिएबल एक्स क्या है हमारा? वेरिएबल है। और ए क्या है वो यहाँ पे? कॉन्स्टेंट वैल्यू। अंडरस्टैंड? फर्स्ट कंडीशन क्या है? हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, एक्स इज वेरिएबल एंड 4 इज ए कॉन्स्टेंट। अंडरस्टैंड? तो ये किसके इक्वल हो गया भाई? 1 बाय में 2 के लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस, क्या लिख सकते हैं भाई? 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 2 के। दैट मीन्स ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ से कंपेरिजन करता हूँ तो 2 के इक्वल है ना उसमें हमारे पास, तो दैट मीन्स 1 बाय में 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस 2 बाय में एक्स प्लस 2 प्लस। इज क्लियर? ये बात आ रही है ना समझ में सभी को? लेकिन एक बात फिर से कह रहा हूँ, फिर से ध्यान देना, वेरिएबल माइनस में कॉन्स्टेंट का स्क्वायर है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो क्या है? कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस में वेरिएबल स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना ये बात? सेकंड में तो 1 बाय में 2 के सिमिलर चलेंगे, लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस ए बाय में एक्स माइनस ए प्लस। क्लियर? तो ये क्या कह रहा है हमें यहाँ पे कि अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट पहले है और बाद में कौन है? वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे? एक्स प्लस ए बाय में एक्स माइनस ए। फर्स्ट कंडीशन तो हमें ये बात समझ में आ गई। तो इसी के रिगार्डिंग अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ सेकेंड फॉर्म के लिए, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1 बाय में 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई किसमें कन्वर्ट हो गया ये हमारा? 1 बाय में 2 स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई टोटल रिजल्ट इस फॉर्म में आ गए, ये आ गई हमारी 1 बाय में 2 के 1 बाय में 2 इंटू 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 2 बाय में एक्स माइनस 2 प्लस। क्लियर कर रही ये बात सभी को? देखो फर्स्ट कंडीशन तो मैंने क्या बताई, वेरिएबल माइनस में कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट माइनस में वेरिएबल की कंडीशन है। सेकेंड वन,
अब जितने भी पहले हम पूरे स्टैंडर्ड जितने भी फॉर्मूले को लिखते हैं उसके बाद एक कंडीशन और निकल के आएगी यहां से, थर्ड है भैया आपका वन बाय में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके क्लियर, तो ये भी हमारे पास सिमिलर कंडीशन पर आ जाता है, लेकिन वन बाय टू ए यहां से ये विदाउट रूट की कंडीशन है और ये रूट की फॉर्म में लिखने वाले हैं भैया, तो ये आ जाएगा लोग भी हम लोग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी। ओके यहां पे आप क्या है वन बाई टू ए नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास वन बाय में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो टी रेशियो बन जाएगा भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन इनवर्स की कंडीशन में आ जाती है वो चीजें। ठीक है ना बात, तो यहाँ पे फोर्थ आ गया आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉगरिथम थमो सिमिलर एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर, ठीक है ना बात यहाँ पर। अब इन सभी में एक कॉमन कंडीशन है आपकी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज यूनिटी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी भाई, वेरिएबल माइनस में कॉन्स्टेंट, अंडरस्टैंड, कॉन्स्टेंट माइनस में वेरिएबल विदाउट रूट फॉर्म्स फर्स्ट टू, सेकेंड टू क्या है भाई हमारे पास रूट की फॉर्म्स में है, वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट है वही कंडीशन, वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना भाई, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे और नहीं है, ये एन की है मतलब अलग ही फॉर्म है हमारी थी जो आपके सिलेबस में नहीं होती है, वन बाय में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपकी साइन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल हो जाती है। ओके, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके क्लियर, जो आपके सिलेबस में नहीं होती क्लियर है, एल्जेब्रिक फॉर्म्स है वो टेंजेंट में आता है वन बाई ए के फॉर्म, यहाँ पे नहीं आएगा ये विदाउट दैट अंडरस्टैंड, वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट। क्योंकि दोनों को हम क्या करेंगे सिंगलर ट्रीट करेंगे, यहाँ पे भूल जाएंगे कि पहले वेरिएबल और फिर बाद में कॉन्स्टेंट, फर्स्ट कॉन्स्टेंट बाद में वेरिएबल, ये चीज नहीं भूलनी हमें। सेकेंड कंडीशन क्या रहता है हमें, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज यूनिटी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या बनाना है हमें यूनिटी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 बाय में 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बात, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 बाय में 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे इन दैट फॉर्म वेरिएबल माइनस में कॉन्स्टेंट था भाई, लेकिन हमें क्या देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशियंट क्या होना चाहिए भाई, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है ना बात। तो सिर्फ बाय में से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ वन बाय में फोर को मैं निकालता हूँ तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर बचता है आपका, क्लियर है ना ये बात को, तो इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना भाई हमारी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वन बाय में फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना भाई हमें, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर कितना हो गया भाई आपका वन बाय टू का होल स्क्वायर, आगे भाई सभी को ये बात समझ में, वन बाय टू का होल स्क्वायर, तो फिर अब अप्लाई करते हैं वन बाय फोर तो एज इट इज है अंडरस्टैंड, इन टू वन बाय में टू टाइम ऑफ ए, सो दैट मीन्स टू इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई वन बाई टू। ओके लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस ए बाय में एक्स प्लस ए प्लस सी, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से वन बाय फोर लॉगरिथम ऑफ एज इट इज छोड़ सकते हो या फिर एलसीएम की कंडीशन देखते हैं तो कितना आ गया वन बाय फोर लॉगरिथम ऑफ टू एक्स माइनस वन बाय में टू एक्स प्लस वन, ठीक है क्लियर है भाई सभी को ये बात। देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी
वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल, स्क्वेयर रूट में बोथ कंडीशंस वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या ध्यान रखनी है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज यूनिटी इन ईच पार्ट, ठीक है ना भाई। क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ पे भी 1, क्लियर है ये बात। ओके चलो ना वो क्या मिलेगा, अगर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है इन एक दैट क्वेश्चन उसी के अंदर इस सेल्फ में मिल रहा है, तो वो सिर्फ ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाता है हमारे पास। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है भाई। अगर एडिशन की कंडीशन है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव इसी में होना चाहिए हमारा, क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, क्लियर है ना बात। अभी तक हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं किया है, ठीक है ना बात। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता देता हूँ उसे क्या बताऊंगा, लेकिन उसे अलग से ही करने वाले हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज इट क्लियर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही फॉर्मूला हुई हमारे पास, ठीक है ना बात। तो ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें किसी एक पार्ट को फर्स्ट लेना होता है और एक को सेकंड लेना होता है, ठीक है ना बात। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला भी होता है, ठीक है ना बात, लेकिन वो अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे। आई रेट का फार्मूला होता है वो, ठीक है ना बात। आपके पास लॉगरिथम है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ये स्किप कर दिए गए हैं। तो पहले सिर्फ ये बात समझे, मैंने लेट कर दिया है कि इस फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, क्लियर है बात। तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ, फर्स्ट तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडरस्टैंड। तो फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके क्या था अभी, माइनस में कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पूरी टर्म इनसाइड ऑफ दैट इंटीग्रेशन रहेगी आपकी, अंडरस्टैंड, ठीक है ना बात। एंड प्लस में सी, ठीक है बात। एक बार सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि इस पर ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हजम नहीं होना है, बस ये बात ध्यान रखें, फर्स्ट इंटू सेकेंड, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस में सी की। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ना, ये इस पे बेस्ड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट है ना आपके पास, तो सिर्फ इसी को सोल्व करते हैं, तो कितना आ गया, फर्स्ट फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे इसे और सेकेंड इसे। आई डेट के बारे में जब मैं बताऊंगा तो उसके रिगार्डिंग हम चूज करते हैं कि फर्स्ट किसे ले रहे हैं और सेकंड किसे ले रहे हैं, ठीक है ना बात। ये मैंने यहाँ पे टी रेशियोज ले रखे हैं भाई, ठीक है, एग्जांपल के लिए, तो वजन होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना आ गया, फर्स्ट तो एज इट इज भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का भाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई हमारे पास वो एज इट इज लिखी, मैंने उस पर कुछ नहीं अप्लाई किया है, तो सिर्फ मैं ये रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ आपका, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो प्लस में ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो देखते हैं साइन एक्स
ई रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, एज इट इज ठीक है बड़ा, इन टू ई रेस टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x इंटू ई रेस टू पावर x dx प्लस ई रेस टू पावर x इंटू cos x dx। ध्यान से देखिए दोनों को टर्म्स में ठीक है ना बात, तो कितना आ गया आपका साइन x इंटू ई रेस टू पावर x क्लियर। तो यहाँ किससे कंपेरिजन करते हैं तो कितना आ गया e रेस टू पावर x एज इट इज, फंक्शन ऑफ x मेरा क्या है यहाँ पे साइन x और उसी का डेरिवेटिव कितना आ गई cos x विद रिस्पेक्ट टू x ओके क्लियर। तो डायरेक्ट रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि e रेस टू पावर x जो फंक्शन ऑफ x था प्लस c e रेस टू पावर x फंक्शन ऑफ x की साइन x डायरेक्ट आ गया आपका क्लियर है। आगे उठना सभी को बात समझ में फिफ्थ के रिगार्डिंग सिक्स पे आ जाते हैं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। भाई हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था वन बाय में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, भाई किसके इक्वल था वो लॉगरिथम ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c के इक्वल था ठीक है ना बात। वो कंडीशन क्या थी फ्रैक्शनल फॉर्म थी हमारे पास वन बाय में क्लियर है बात, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आ गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास विदाउट फ्रैक्शन कंडीशंस है ना वो डायरेक्ट क्या होते हैं हमारे पास x by 2 as it is, x by 2 as it is। ध्यान से देखो x by 2 जो था वही है और जो फ्रैक्शनल के लिए था प्लस में a square by 2 सिमिलर फॉर्म ओके x by 2 अंडर रूट ऑफ x square प्लस a square प्लस में a square by 2 रिमेन एड हुआ है ना वही अलग से एंड लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c ओके एंड सेम अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x है हमारे पास सिमिलर x बाय 2 एज इट इज, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है a स्क्वायर बाय 2 और इसका रिजल्ट क्या हो रहा था भाई हमने 1 बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का लॉगरिथम ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c यही बढ़ा था भाई। तो बिल्कुल सेम वही माइनस ए स्क्वायर बाई टू लोग ठीक है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड हमने कल पढ़ा था भाई, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कंडीशन आ जाती है और मुझे अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है तो लॉगरिथम ऑफ एफ एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है ठीक है ना बात। इसके लिए हम एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं ठीक है ना बात, अगर करते हैं यहाँ पे तो कितना और एग्जाम्पल लिखते हुए 2x cube by में x raise to power ये आप करें 4x cube by में x raise to power 4 raise to power पहले क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं 4x cube by में x raise to power 4 with respect to x। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया जो हमारे पास डिनोमिनेटर फॉर्म है ना डिनोमिनेटर फॉर्म उसका डेरिवेटिव अगर हम करके देखते हैं कितना है फोर एक्स क्यूब ठीक है। रिजल्ट क्या कह रहा है हमें एफ डैश एक्स का मीन तो हम सभी समझते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव है भाई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाय में एफ एक्स है अंडरस्टैंड। तो एफ एक्स कितना है हमारे पास एक्स रेस टू पावर 4 और उसका डेरिवेटिव ऊपर है हमारा ठीक है ना बात। तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन ऑलवेज इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स लॉगरिथम ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 प्लस में सी बाय सब्स्टिट्यूशन में लिया हमसे ये हम पुट कर सकते हैं पुट x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू t ठीक है बात हुई। तो क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ओके इज इक्वल टू t लिया ना भाई हमने क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है यहाँ पे तो कितना हो गया 4x क्यूब dt बाय dx तो dx इज इक्वल टू dt अंडरस्टैंड। तो मैं इसको किसमें रिप्लेस कर सकता हूँ भाई dt में न्यूमिनेटर को तो कितना आ गया 1 बाय में टी डी क्लियर ओके। तो 1 बाय में x जब विद रिस्पेक्ट टू x था तो कितना था लॉगरिथम ऑफ x अब 1 बाय में t है विद रिस्पेक्ट टू t है तो कितना आ जाएगा भाई आपका लॉगरिथम ऑफ t प्लस c और t की वैल्यू कितनी है भाई लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस अंडरस्टैंड ये
अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है बात। ओके चलिए तो वही टाइम जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में थे हमारे पास तो डेरिवेटिव में हमने क्या अप्लाई किया था? प्रोडक्ट में ओके प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ना होके क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट मीन्स टू फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बात। दो फंक्शन है हमारे पास यू है एंड वी। अब यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट क्या होगा और सेकंड क्या फंक्शन होगा। ठीक है ना? इसके लिए आई एन ए टी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना बात। लेकिन हमारे पास कुछ फंक्शन है यहाँ पे इनमें से और कुछ स्कीप कर देंगे। ठीक है ना बात। फिर आई से इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन भाई इनवर्स फंक्शन में कौन कौन आ रहे हैं आपके? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, एक्स रेज टू पावर नेगेटिव वन भी बोल सकता हूं मैं अगर एलजेब्रिक की बात हो रही है। ठीक है ना बात। जैसे एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, एक्सेट्रा। ठीक है ना बात। एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक तो है हमारे सिलेबस में। ठीक है ना बात। जैसे कि लॉगरिथम ऑफ एक्स, लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है ना बात। इसके बाद है आपके पॉलीनोमियल और एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन भाई एलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, मतलब पॉलीनोमियल फंक्शन एक्स रेज टू पावर थ्री। अंडरस्टैंड? टी से टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है बात। जो कि यूज में नहीं है हमारे साइन को स्टैम एक्सेट्रा। ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स एक्सेट्रा। ठीक है ना बात। अब बात ये आती है कि हम इन्हें अरेंज कैसे करेंगे। जिस सीक्वेंस में ये लिखे गए हैं ना उसी सीक्वेंस में हम इन्हें अरेंज करने वाले हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक एलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है ना बात। तो फर्स्ट प्रेफरेंस दैट मींस फर्स्ट फंक्शन हम किसे कहेंगे, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट कौन आ रहा है भाई? एलजेब्रा से पहले कौन है? लॉगरिथम। तो वहां पे हम किसे चूज करेंगे? फर्स्ट लॉगरिथम को, और सेकंड किसे चूज करेंगे? एलजेब्रिक फंक्शन को। क्लियर है बात। अगर मान लेते हैं हमारे पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, लॉगरिथम ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन किसे कहेंगे हम? लॉगरिथम। और सेकंड किसे बोलेंगे हम? एक्सपोनेंशियल। क्लियर है बात भाई। तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी में मान लेता हूँ ये फर्स्ट है और ये सेकंड आ जाएगा। ठीक है बात। तो फर्स्ट एज इट इज रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, नेगेटिव साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अंडरस्टैंड? क्लियर तो नहीं होगा? प्लस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर तो नहीं? ओके, आगे और पार्ट्स में। इसके बाद है आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंडीशन। ठीक है बात। पार्शियल फ्रैक्शन कंडीशन हमारे पास न्यूमिनेटर हमेशा एक लीनियर फंक्शन मिल सकता है। ठीक है ना बात। उसके बाद डिनोमिनेटर में हम हमेशा कोशिश करते हैं एक लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करें। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज किए गए हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है बात। हमें इस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्मुलेशन फॉर्म में, बाकी कई सारे रीजन्स आपके ऐसे हैं जो कि क्यूबिक कंडीशंस पे मोर देन एलजेब्रिक से अलग। तो ये कहता है ए एक्स प्लस बी ऊपर मैक्सिमम लीनियर फंक्शन है आपका। ठीक है ना बात। और नीचे हमें दे रखा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, पी एक्स प्लस क्यू करो।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर था बात लीजिए यहाँ तक की। ओके तो ये कच्चा हम इसकी जो ये फॉर्म है हमारी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल ए बाय में एक्स माइनस ए प्लस बी बाय में एक्स माइनस बी। ये रिजल्ट ध्यान करना वही सिर्फ एक बार इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे हम अप्लाई तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्या कंडीशन कहता है भाई नीचे जो हमारे पास है टू लीनियर फैक्टर्स है। लीनियर फैक्टर का मतलब स्केयर की कंडीशन नहीं है भाई आपके पास यहाँ क्लियर है कि बात। तो ये कहता है अगर टू फैक्टर्स है तो हम उसे कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं ए एंड बी कैपिटल ए एंड बी आर एनी कॉन्स्टेंट ठीक है ना बात जहां पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है हम जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में। प्रोसेस प्रोसीड कैसे किया जाएगा हाउ टू प्रोसीड वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन ये कहता है अगर नीचे दो हमारे पास क्या है फैक्टर्स है लीनियर तो देन वी कन्वर्ट इन दैट फॉर्म ए बाय में एक्स माइनस ए प्लस बी बाय में एक्स माइनस बी। ओके सेकेंड कंडीशन कहता है हमें पी एक्स प्लस क्यू बाय में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई लीनियर फैक्टर तो है लेकिन उसका क्या है होल स्क्वायर लीनियर का होल स्क्वायर है ना कि एक क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर है। डिफरेंस देखना ध्यान से क्वाड्रेटिक नहीं है भाई हमारा लीनियर है। ओके तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं ए बाय में विदाउट स्क्वायर कंडीशन एक्स माइनस ए प्लस बी बाय में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। वही याद रखी बात। अब ये कहता है अगर यहाँ पे टू फैक्टर्स थे तो ए बाय में प्लस बी बाय में अगर थ्री फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ए बाय में बी बाय में सी बाय में। ओके क्लियर जो इसमें मेन यूज होगा आपका थर्ड रीजन वैसे है नहीं इस पे क्वेश्चन इसमें तो मैंने देखी नहीं तुम्हारे इंटीग्रेशन हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी ऊपर क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ध्यान से देखें ठीक है ना बात। एंड बाय में जो कंडीशन हमें दे रहा है वो देखता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी जो कि अनसॉल्यूबल है जिसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हमारे। क्या कंडीशन है भाई फैक्टर्स नहीं बन रहे जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए की कंडीशन देखता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर की इसके फैक्टर तो नहीं कन्वर्ट होंगे ना वही हमारे तो दैट फॉर्म कन्वर्ट इन ए एक्स प्लस बी बाय में एच इज कंडीशन। ओके ए एक्स प्लस बी बाय में एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडरस्टैंड ये बात समझना ए एक्स प्लस बी क्यों है भाई जो फैक्टर नहीं बन रहा है ना आपका उसके रिगार्डिंग फर्स्ट कॉन्स्टेंट इंटू एन ब्रैकेट प्लस में ओनली कॉन्स्टेंट बाय में एक्स स्क्वायर प्लस इस पे ज्यादा ध्यान रखना मेन है आपकी ये दो ही कंडीशन दे रही है ठीक है ना ये ध्यान से देखिए अगर ये क्या कह रहा है टू फैक्टर्स हैं तो डिवाइड कर सकते हैं ए बाय में एक्स माइनस ए प्लस बी बाय में एक्स माइनस ए। अगर हमारे पास होल स्क्वायर की कंडीशन है तो इसका मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं भाई ए बाय में ओनली पावर इज वन एंड प्लस में बी बाय में होल स्क्वायर है। अगर ये कंडीशन है तो एक फैक्टर और लिखो इसके साथ ये कहता है एक्स माइनस बी बराबर इसे चेंज करते हैं वही थोड़ा सा एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर की फॉर्म से लिखना होगा इसे ठीक है बात। अब यहाँ पे ध्यान देना अगर हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या है भाई यहाँ पे लीनियर फैक्टर है आपका तो ए बाय जो सिमिलर कंडीशन है एक्स माइनस टू लेकिन जो सेकंड फैक्टर है ना आपका क्वाड्रेटिक ये लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है आपका ठीक है ना बात। तो इस फॉर्म को हम लिखते हैं ए के बाद हम साइक्लिक चलते हैं कॉन्स्टेंट में ए बी सी तो जो हमारे पास इसके लिए इनिशियल कॉन्स्टेंट है ना उसके साथ एक्स प्लस में सी वाई में तो वही हम इसे जैसे भी एक्स माइनस ए लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म लिख लो नो प्रॉब्लम ठीक है बात क्लियर है भाई ये बात सेम पॉइंट थी ये सुन इस पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके फिर कुछ क्लियर डी एक्स भाई यहाँ पे ध्यान देना ठीक है। ओके स्टार्ट तो ये क्या कह रहा है ये लोअर लिमिट है हमारी एंड दिस वन इज अपर लिमिट लोअर लिमिट
कंटिन्यू। अब जो फंक्शन ऑफ एक्स मुझे दे रहा है ना, इनडेफिनेट में क्या है, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती प्रॉपर, क्योंकि वहां पे प्लस में सी है, और सी क्या है भाई, हमारा कॉन्स्टेंट है, मे बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना बात। लेकिन जैसे ही सी आता है हमारा, तो सी इज एनी कॉन्स्टेंट, सी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट था, तो वो उसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेट में सी हट जाएगा, सी हट जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाता है रिजल्ट आपका, जब हम डेरिवेटिव कर देते हैं ना, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ओके, तो दैट मीन्स फंक्शन ऑफ बी माइनस में फंक्शन ऑफ ए एक एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं डेफिनेट में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई लिमिट्स हैं सिर्फ, लेकिन प्रोसीजर तो वही रहेगा हमारा, तो भाई इंटीग्रेशन जब एक्स स्क्वायर का कर रहे हो कितना आ गया वाई में, ठीक है ना, हम क्या लगाते हैं प्लस सी, लेकिन डेफिनेट है तो इसका मतलब हम सी अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, अगर सी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो लिमिट क्या है 1 to 2 डिनोटेड बाय अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब हमारे पास 1/3 जो कॉन्स्टेंट है एज इज रखते हैं, सिर्फ अपर लिमिट बाय में लोअर लिमिट, इसके वेरिएबल पे ही वैल्यू करेंगे ना, ठीक है ना, तो कितना आ गया 1/3, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं भाई, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 raised to power 3 -1 raised to power 3, क्लियर है, तो कितना आ गया 1/3 into 8 - 1, तो दैट मीन्स 7/3 इज ए डेफिनेट वैल्यू, एक डेफिनेट रिजल्ट देगा, क्लियर है भाई, यहाँ तक की तो बात आगे होगी सब कुछ सुनो, इसके बाद देखते हैं कुछ इसी पे बेस्ड है डेफिनेट पे, ओके, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, जैसे ही हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे, लिमिट्स को इंटरचेंज, अपर लोअर और लोअर अपर लिमिट होगा, तो बी कैन चेंज नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा आपका एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो लिमिट चेंज हो चुकी है भाई, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो ये कहता है अगर मेरे पास एफ एक्स डी एक्स है कोई भी, तो हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा है भाई, अगर मैं किसी भी वैल्यू को इज इक्वल टू टी पुट करता हूं, तो मैंने क्या कहा था, टोटल ऑल ऑफ फंक्शन को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ टी, तो ये कन्वर्ट हम किसमें कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इज इट क्लियर, सेकेंड पोजिशन, ओके, थर्ड आ जाते हैं भाई, एक इवन फंक्शन के लिए होता है और एक ओड फंक्शन के लिए, इवन और ओड कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पे पहले दे देता आपको 0 to 8 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स की फॉर्म, लोअर लिमिट क्या है भाई आपकी 0, ध्यान रखना इसी, तो ये कहता है कि फंक्शन ऑफ एक्स को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस ए की फॉर्म में, ठीक है ना बात, तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं 0 to 8 फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर, आगे भी अब आप ये समझ में आ रही है ना, ये बात को समझ में, नेगेटिव ऑफ दिस, ये नेगेटिव, या फिर फंक्शन इवन और ऑड के रिगार्डिंग है, इसे अगर मैं लिखता हूं 0 to 8 फंक्शन ऑफ ए माइनस अपर माइनस में वैल्यू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना बात, मेरे ख्याल से यही होगा, ठीक है, पे आ जाते हैं भैया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3x इंटू 1 + x, 1 - 3x इंटू 1 + x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो सीखा हमने, लेकिन वहां पे क्या है फंक्शंस डिफर डिफर है, ठीक है ना बात, लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें लीनियर फैक्टर्स दे रखा है और हमें प्रॉपर्टीज का पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है,
ठीक है, तो सेपरेट सेपरेट टर्म्स पे हम क्या अप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ गया भाई 1 प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं इसे 1 माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो भाई हमें इस चीज का पता है कि हम अलग अलग का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर भाई? वन का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में टू। भाई पावर में वन ऐड कर रहे हैं और उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस में थ्री एक्स टू बाय में थ्री प्लस सी, तो दैट मीन्स वी गेट द रिजल्ट। ओके, कितना आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू प्लस सी। ओके, नाउ ऑप्शन सी इज द इंटरनेट लिख सकते हैं ना, ठीक है बात। तो कितना आ गया यहाँ से रूट एक्स बाय में रूट एक्स माइनस वन बाय में रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नाउ वन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाय टू लिख लू भैया, अगर किसी को समझ में आया तो माइनस वन बाय टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंट डिफरेंट माइनस एक्स रेज टू पावर नेगेटिव वन बाय टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर भाई? तो कितना आ गया यहाँ से एक्स माइनस पावर में वन ऐड कर रहे हैं, कितना हो गया एक्स रेज टू पावर वन बाय टू, और उसी से डिवाइड करेंगे तो टू टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस सी। बोल तो नहीं दिया है, हाँ ये दे रखा है आपको रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होल पे नहीं दे रखा। अगर होल पे है तो ये रिजल्ट आ गया, अगर सेपरेट अलग से है तो कितना लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर वन बाय टू सी एक्स माइनस में एक्स रेज टू पावर वन बाय टू। क्लियर का बात नहीं? पावर में वन ऐड करेंगे तो कितना हो गया एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू, डिवाइड करेंगे तो टू बाई थ्री, वैसे टोटल हो जाएगा ना भाई। एंड माइनस में पावर में वन ऐड किया तो वन बाय थ्री एंड टू टाइम्स प्लस में। क्लियर? आगे होगी ना बात समझ में, चले तो बैठ ओनली वन डी एक्स प्लस डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट वन बाई एक्स। फिर हम तो कितना आ गया इसका थ्री पावर में एक एड करते हैं रेस टू पावर फोर बाय फोर, क्यू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई थ्री आर के इंटू एक्स। ओके, वन का तो एक्स हो जाएगा भाई प्लस डब्ल्यू इंटू लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस सी, वन बाई एक्स किसके इक्वल भाई लॉगरिथम इसका, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉगरिथम एक्स योर रिजल्ट, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना बात। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर एट। पढ़ना भाई ध्यान से क्या कर रहे हैं, यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू इंटीग्रेट द फंक्शन। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, या फिर फंक्शनल है तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बता दो मुझे इसका रिजल्ट एफ एक्स कितना दिया फोर एक्स प्लस रेज टू पावर होल रेज टू पावर सिक्स। अगर कभी भी लीनियर कंडीशंस की पावर्स हैं रूट्स हैं तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ गया यहाँ से भाई पावर में एक ऐड करते हैं फोर एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर सेवन, इसी से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या खास बात थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस। ओके, तो कितना आ गया भाई फोर एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर सेवन बाय में प्लस सी। क्लियर? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना बात। नेक्स्ट चलते हैं भाई, बता रहा हूँ विदाउट सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर एंड वन टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, बहुत लंबा चौड़े में बात हो जाएगी, ठीक है ना बात। तो इसलिए क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं इन साइड रूट, तो कितना भाई पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू पी। क्लियर? बाद में ढूंढेंगे जो कुछ मिलने वाला है, तो कितना आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो 2x 4 का कितना हो जाएगा भाई 0 इज इक्वल टू dt बाय dx, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा भाई। ठीक, अब रिजल्ट में ढूंढते हैं, हमें सिर्फ x dx चाहिए, देखो 2 नहीं है तो x dx को सेपरेट करते हैं, बाकी सभी टर्म्स को सेपरेट करते हैं, तो x dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 dt। क्लियर है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, x dx को रिप्लेस करता हूँ 1 बाय 2 and all of that term is equal to t, so t raised to power 5, complete function किस में convert हो चुका है, dt की form में convert हो चुका है, तो कितना आ गया 1 by 2, t raised to power 6 by में 6 plus c, so 1 by 12, t again replaced in the form of x, तो कितना आ गया, x square plus 4 raised to power 6 plus c, okay, now also number, t is right, d, ठीक है बात भाई, वाई में एन प्लस वन मल्टीपल मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है 1, 1 से मल्टीप्लाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके क्लियर, तो ए इज इक्वल टू राइट क्लियर। 11th का ठीक है बात भाई, अब देखो ए एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कंडीशन है, तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिनोमिनेटर पे ही टारगेट करते हैं, तो भाई यहाँ पे देखें तो किसका डेरिवेटिव है हमें यहाँ पे जो नजर आए, तो ए तो कॉन्स्टेंट है ना, एक्स क्यूब का कितना होता है 3x2, कॉन्स्टेंट से कुछ नहीं ले रहा है, वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या पूछ लिया भाई, एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ गया 3x2 dx इज इक्वल टू t, ओके हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैसे 8x2 चाहिए, 8 इज एनी कॉन्स्टेंट, तो मैंने क्या किया ओनली x2 को सेपरेट किया, dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है भाई, आइए बात सभी को समझ में, तो इसका मतलब x2 dx को मैं किसमें रिप्लेस करने वाला हूँ 1/3 dt, और 8 इज एनी कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको पहले ही 8 टाइम ऑफ लिख सकता था भाई। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3, तो दैट मीन्स 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/ में t रेज़ टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू t, टोटल फंक्शन इज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ t। क्लियर है कोई बात, तो ये क्या लिख सकते हैं 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर -3 dt, ओके तो 8/3 तो ये पावर में 1 ऐड किया तो कितना हो गया t रेज़ टू पावर -2 y में -2 प्लस c, ओके क्लियर, तो फोर क्या लिख सकते हैं भाई 4, तो दैट मीन्स -4/3 इंटू 1/ में t स्क्वायर, ऊपर नेगेटिव है तो भाई नीचे आगे पॉजिटिव हो गया प्लस c इज योर राइट। ठीक है बात, ऑप्शन नंबर